मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ भी आप जाएं। मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ। लेकिन किससे? जब शादी हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा। गांव जाने से पहले राजू ने मुझसे कहा था तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी बात पर। लेकिन अब तो यकीन हो गया है ना? अब यकीन हो गया है कि मेरे और तुम्हारे बीच का ये जो बेनाम रिश्ता था वो तुम्हारी तरफ से अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर, बातें तो आप एक दूसरे के घर बैठकर भी कर सकते थे, इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? एनीवे, आने की तकलीफ तो उठा ली, जाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। आइए मैं आपको घर छोड़ूं। लेकिन आप तो उस तरफ जा रहे हैं और मुझे इस तरफ से जाना है। अपनी होने वाली बीवी के लिए मैं किसी तरफ भी जा सकता हूं। आइए आइए ना। शारदा जी, ये नक्शा देखो, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये देखो, यहाँ पूर्व में आने जाने का दरवाजा, यहाँ दक्षिण में रसोई, और यहाँ उत्तर से आगे एक छोटा सा लॉन यानी कि खुली जगह। और इस घर के कमरे इस तरह से बने हुए शारदा कि जब भी इन कमरों में कोई सोएगा ना, या तो पश्चिम से पूर्व की ओर सोएगा या दक्षिण से उत्तर की ओर। वास्तु शास्त्र के अनुसार बना है यह नक्शा। वो सब तो छोड़िए, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत नक्शा है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह घर बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था।
किसने बनाया इसे? कल बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा भी। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मैं आपको क्या हुआ शारदा? शारदा क्या हुआ? इधर बैठो। जरा सा चक्कर आ गया। चक्कर आ गया? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम शारदा? तुम्हें चक्कर आ रहा है और तुम कह रही हो कि डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है? मैं सही कह रही हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझूं मैं? दिन रात मेहनत करती रहती हो तुम, सेहत का जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। चलो घर चलकर थोड़ा सा आराम कर लो। शारदा, शारदा आइए, ये लीजिए, ये देखिए डॉक्टर ने जी, अचानक इनको चक्कर आ गया। चक्कर आ रहे? जी डॉक्टर। डॉक्टर ने जी, अब इंसान सुबह शाम काम करेगा, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेगा तो चक्कर तो आएंगे ही ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहे हैं आप। आप एक काम करिए, बाहर जाइए, मैं इनका पूरी तरह से चेकअप करती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये चक्कर आपको आज ही से शुरू हुआ या पहले भी कभी आए थे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तो बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको चक्कर आ रहा है। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिटिंग भी हो रही है और खट्टा खाने का जी भी कर रहा है। अच्छा यह है कि आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, और यही बात इन्हें समझ में नहीं। खामखा मेरी चिंता में आपको तकलीफ दी। तकलीफ किस बात की? इट्स माय ड्यूटी। अच्छा अब आपको प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता है। जी। और हाँ, आप अपना डाइट का पूरा ख्याल रखिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। सब ठीक तो है ना डॉक्टर जी? चिंता करने की तो कोई बात नहीं है ना? बात चिंता की नहीं, खुशी की है। खुशी की है? शारदा, सच? एवरीथिंग इज नॉर्मल ना? और ये मैं कुछ टेबलेट्स लिख कर दे रही हूँ, उसे कम से कम 3 दिन तक लेना है, रोज सुबह एक। और अब आपको मंडे को चेकअप के लिए आना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। अरे रत्ना, आओ आओ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ऐसी जगह बैठी हूँ ना जहाँ ढंग से किसी का वेलकम भी नहीं कर सकती। कैसी हो तुम? मम्मी डैडी ठीक है ना? उनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर, ये डर की नहीं, खुशी की बात है ना? डॉक्टर, ये सिर्फ डर ही की नहीं बल्कि बहुत ही दुख की बात है। ऐसा क्यों कह रही हो रत्ना? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दिस चाइल्ड। जल्दी से मेरा चेकअप कीजिए और मुझे ये बुरी खबर दीजिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शारदा, मैं कितना बुद्धू हूं ना? क्यों, आप क्यों बुद्धू हैं? और क्या बुद्धू तो हूं, कुछ समझ नहीं पाया और जाकर डॉक्टर को बुला लाया फटाफट। जब हमें अचानक खुशियां मिलती है ना,
तो हम उन पर यकीन नहीं कर पाते। सही कह रही हो तुम। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हमें इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। सच शारदा, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। ये सोचकर और भी अच्छा लग रहा है कि अब कोई ना कोई साथी मिल जाएगा। कितना अच्छा लगेगा ना शारदा, जब हमारे घर में नन्नी मुन्नी किलकारियां गूंजेंगी। शारदा, मेरी एक इच्छा है। क्या? यही कि हमारा बच्चा अपने घर में पैदा हो, कोयना के साथ अपने आंगन में खेले। आप कोयना के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच के डर रही हूं। डर क्यों रही हो? जब कोयना को सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी, वो तो खुश होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? कोयना को पहले से शिकायत है कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती हूं। जब उसे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो उसका ये एहसास और भी बढ़ जाएगा। शायद वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा शारदा, तुम कोयना की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम चिंता करोगी तो तुम्हारी सेहत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, होने वाले बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जी कहिए। जी दीपा जी से मिलना है। मैं ही दीपा हूँ। अजय जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, लीजिए मैडम। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? जी उम्मीद है मेरा भेजा हुआ गिफ्ट तुम्हें पसंद आया। जी क्या हुआ, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? क्या इससे पहले तुम्हें किसी ने इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया? क्या मोबाइल फोन पे कभी बात नहीं की? जी अच्छी बात है, तुम्हारे सारे सवाल और सारे जवाब जी से ही शुरू होकर जी पर ही खत्म हो जाते। सुखी रहोगे मेरे साथ। बाय, सी यू जान।
6 के पेशेंट की सोनोग्राफी आज करानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर, मिसेस वर्मा का फोन लग गया। हेलो मिसेस वर्मा जी, डॉक्टर मुक्ता बोल रही हूँ। कल रत्ना यहाँ आई थी, उसने बताया आपको। खुशखबरी तो ये है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन बुरी खबर ये है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसने कल उसने आज आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट ली है। देखिए, मैं नहीं जानती कि इसमें उसके हस्बैंड की मर्जी शामिल है या नहीं। डॉक्टर होने के नाते मैं मशवरा तो दे सकती हूँ, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। देखिए, आपको इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज था। आप उसकी माँ हैं, आप बेहतर जानती हैं कि क्या करना है। जी ठीक है। बैग में अपनी सारी किताबें रख दी ना, सीधे खड़े रहो। शारदा, तुमसे कुछ बात करनी थी। आप देख रहे हैं, मैं कोयना को तैयार कर रही हूँ, उसे स्कूल के लिए देरी हो रही है। बस 2 मिनट ही लगेंगे। बात क्या है, बताइए ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ। क्या? ये क्या है? ये केसर है। केसर? किसलिए? धीरे बोलो। कहते हैं केसर दूध में मिलाकर पीने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है। एक मिनट में बात कर रही हूँ। हाँ जी, एक बॉटल की जरूरत है, कब मंगवा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपका ये क्या बात है? मेरी पत्नी इस हॉस्पिटल में आई, कौन से रूम में है वो? जसवीर। क्या नाम है आपकी वाइफ का? रत्ना। अच्छा रत्ना जी, उन्हें तो अभी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर?